विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह के ऑनलाइन आवेदन पर मंगलवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने जेल अधीक्षक बांदा को आदेशित किया है कि वे जेल मैनुअल व विधिक प्रावधान के अनुसार आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को असलहा लाइसेंस हेतु डीएम से अनुशंसा की थी, जिनका पता दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का अंकित था। जांच उपरांत सभी के पत्ते फर्जी पाए गए थे। उसी मामले व अन्य मामलों में बांदा जेल में है। मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह ने ऑनलाइन आवेदन में ये उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन व कमर दर्द से काफ़ी परेशान हैं। बांदा जेल में काफ़ी गर्मी है, तो वहीं जेल में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तख्त या कड़ा बेड व कूलर व मच्छरदानी उपयोग करने की सलाह दी है। इस मामले की ऑनलाइन 6 मई की पेशी में अदालत द्वारा जेल अधीक्षक को आदेशित किया गया था, किंतु उस आदेश पर राजनीतिक दबाव में अमल नहीं हुआ। उक्त मामले में अगली पेशी की तिथि 19 मई को निर्धारित की गई है। आवेदक में ये कथन भी कहा गया है कि वह अपने स्वयं के खर्चे पर भोजन, बेड व मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, जो कि जेल मैनुअल के पैरा 432 के अनुसार विधि मान्य है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बांदा जेल में अपने मुवक्किल से मिलने के हेतु अदालत से अलग से आवेदन कर स्वीकृति मांगी है, जिस पर प्रभारी सीजेएम ने जेल मैनुअल के अनुसार अधिवक्ता को मिलने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है।